जय हिंद जय भारत। मेरा नाम उमेश गोपीनाथ जाधव, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र का हूँ, लेकिन 2004 से बैंगलोर में हूँ। 10 से 14 फरवरी को मैं अजमेर में था एक देशभक्ति के इवेंट के लिए, और जब ये 14 फरवरी को पुलवामा का हमला हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि ये शहीद परिवार अगर मेरे परिवार होते तो मैं उनके लिए क्या करता। तो एक जज्बा था कि CRPF के सभी पुलवामा शहीदों के लिए मैं कुछ करूँगा, और मैंने अब तक 88,000 किलोमीटर चल चुका हूँ, और ये मैं निस्वार्थ में कर रहा हूँ, और ये सभी रिस्पेक्ट फोर्सेस के लिए। अब तक मैंने 122 शहीद परिवार को मिलकर आया। गाड़ी में सभी शहीदों की मिट्टी है, सभी फोर्सेस के, और उससे एक शहीद स्मारक बनेगा, ये जम्मू कश्मीर में बनेगा। सब शहीदों के लिए जो एक रिस्पेक्ट होता है मंदिर जैसा, तो ये ट्रॉली खास उसके लिए बनाई है मैंने, उनके परिवार की। 22 शहीद परिवार की ये पूरी गाड़ी उनकी मिट्टी से भरी है, तो ये आशीर्वाद उनके मैं लेके चल रहा हूँ। 9 अप्रैल 2019 से लेके अब तक 2 साल मैंने 122 शहीद परिवार को मिला हूँ, जिसमें 40 CRPF के पुलवामा शहीद थे, प्लस और कोबरा कमांडोज, और World War I से लेके गलवान घाटी के जो शहीद महावीर चक्र संतोष बाबू जो शहीद हुए थे हैदराबाद में, उनके घर से मैंने मिट्टी ली है, और इस मिट्टी से भारत का पहला ऐतिहासिक नक्शा शहीद स्मारक में जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। ये निस्वार्थ में मैं कर रहा हूँ, और ये जन्मभूमि कर्मभूमि भारत की मिट्टी का सम्मान और हमारे फोर्सेस के लिए रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ। हाँ।